बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। अच्छा, आज और कल का जो टेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चन मुझे सारे मिल गए, तो मैं वहाँ जाके वन बाय वन को उसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले आप लोग उसको देख लें, उसको याद कर लें, और ये नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में आपकी टेस्ट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। पहले हम 26 मई यानी कल का जो टेस्ट हुआ है, ठीक है, बारकान और आप लोग लाइव डिवीजन के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के, तो GAT और मौलिम अल कुरान और GVT की जो टेस्ट है उसको ज़रा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप उसको देख ले, उसको कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो आपके पास है कि सुलह हदबिया, ज़िला बारकान के GAT टेस्ट है कि सुलह हदबिया के वक्त कौन सी सूरत नाजिल हुई। ये हमने पहले भी किया है, कि आप अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है वो आप पहले वो जाके वीडियो देख ले, ताकि वो आपको जो जितने भी इसके आंसर्स थे वो आपने पहले निकाल के वहाँ पर मतलब वीडियो अपलोड कर दिए, वो लोग आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि फतेह मक्का किस हिजरी में हुआ, ठीक है, बाबर का बड़ा बेटा कौन था, ठीक है, ये हमने सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है। ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई है, ठीक है, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुआ है, और नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी ने कौन सी रिफॉर्म्स किए, ठीक है, और इसके बाद है कि पहला खलीफा कौन था इस्लाम है, ठीक है, ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है साइंस पोर्शन में यानी आपके पास जो GAT लोरलाई डिवीज़न है उसकी साइंस पोर्शन में आपके पास जो क्वेश्चन आए थे उसको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग देख ले। इसमें पहला जो सेंस की एमसीक्यू आया है वो क्या है कि खून की सफाई कौन सा अज़ा करता है, ये दिल है, ठीक है, दिल जो है आपका हार्ट जो है दिल वो खून की जो सफाई है वो करता है, ठीक है। फिर है दिमाग का बड़ा हिस्सा कौन सा है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग सुने कि बाज़ अवकात ऑप्शंस में आपको गिवन ही होता है कि दिमाग का जो बड़ा हिस्सा है वो क्या पोर ब्रेन है, ठीक है, या फिर उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि दिमाग का जो बड़ा हिस्सा है वो आपके पास सेरिब्लम है, तो उसका जो एग्जैक्ट जो उसका ऑप्शन है जो सही उसका ऑप्शन है वो आपके पास है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर फिर आपके पास सेरेब्रम वगैरह आता है, ठीक है, तो दिमाग का बड़ा हिस्सा कौन सा होता है फोर ब्रेन, ठीक है। इसके बाद है ज़मीन के जलजले की शिदत की पैमाइश कौन सा वो करता है, हमने इसके पैरामीटर भी पढ़ लिया है, ठीक है, ये भी आप लोग जाके दे सकते हैं। फिर इसके बाद है कि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है, इसको आप ज़रा समझें कि पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो देखिए वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, ठीक है, वैसे जो पहाड़ों के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM से लेस होती है, यानी 1 mmHg यानी 1 जो mm मरकरी उसे आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पहाड़ों पर 1 से कम होती है। लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आपको ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट मिलते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है, तो माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 253 mmHg होती है। जैसे आपको पता है कि जब भी हम हाइट पर जाते हैं, जब भी हम एट द टॉप ऑफ माउंटेन जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने का ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि अगर हम हाइट के लिहाज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख ले, तो हाइट के लिहाज से टॉप ऑफ द माउंटेन के लिहाज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कम होती है, या माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 253 mmHg होती है, ठीक है। तो पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा 1 से कम रहती है, या फिर एग्जैक्ट 1 भी नहीं रहती बल्कि 1 से कम रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है उन्होंने, इसको आप लोग समझे पता नहीं क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, जायगोट कितने गैमेट से बनता है, जायगोट जो है वो तकरीबन 2 गैमेट से बनता है, ठीक है, इसके अंदर 2 गैमेट्स होते हैं। फिर टेलीस्कोप जो दीवार के इस तरफ रखा जा सकती है, ये हमने भी कर दिया, ठीक है, या वीडियो में आपको पास मिलेगा, ठीक है। फिर है कि ज़मीन की वो तह जिसमें गैस होती है, ठीक है, वैसे ज़मीन की मतलब 4 कोर होती है, ठीक है, इनर कोर है, आउटर कोर है, क्रस्ट है और मेंटल है। मेंटल के अंदर जो होता है, मेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गैस होती है, ठीक है, ज़मीन के जो दूसरा कोर है उसे हम मेंटल कहते हैं, तो मेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा गैस होती है। फिर इसके बाद है कि कौन सी चीज़ है जिसको एक्सपेंड और कंप्रेस्ड किया जाता है, आपके पास गैस है, गैस को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, गैस है इसके ऑप्शन, ये आपके पास हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है लोरलाई डिवीजन दुखी का जो है वो जूनियर अरबिक टीचर जिला दुखी 24 मई के सवाल है, ये आप लोग ये अरबिक टीचर के, इसके ये भी हमने कल कर दिए थे, ठीक है। सनोबर के दरख्त कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पास मौजूद है वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने एक साथ इकट्ठे कर दिए, ठीक है। सनोबर के दरख्त कहाँ पाए जाते हैं, इसके बाद सलाउद्दीन अयूबी का इंतकाल किस चीज़ से हुआ, ठीक है। इसके बाद हज़रत पाक वसल्लम की नानी का नाम क्या था, ठीक है। फिर कि ख्वाब में अजान के कलिमा सुने हज़रत अब्दुल्ला, और अजान देने वाला पहला शख्स हज़रत बिलाल, नमाज की ताकीद कुरान मजीद में आई 700 मरतबा,
इस्लाम में सबसे पहले मौज़िन हज़रत बिलाल नमाज नींद से बेहतर है कहा किया गया है। ठीक है, फजर अजान में नमाज को अरबी ज़बान में कहा जाता है सलात। नमाज के मायने क्या है? दुआ। ठीक है, नमाज जनाजा क्या है? फ़र्ज किफाया। ठीक है, हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? हज इस्लाम का आखिरी रुकन भी है और पांचवा रुकन भी है। ठीक है, ऑप्शन में इस तरह दिया जाता है। ठीक है, हज के लघु मायने क्या है? ज़्यारत का इरादा करना। ठीक है, हज कब फ़र्ज हुआ? 9 हिजरी को। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। इसके बाद जो आपके पास है, ठीक है, ये ईएसटी 26 मई लाइट डिवीजन के है। ठीक है, ये आप लोग देखिए कौन सी सूरत है। ठीक है, ज़कात कब फ़र्ज हुई? ठीक है, और इसके बाद है फारूक किसका लकब है? ठीक है, फिर इसके बाद है कि कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है? ठीक है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, वीडियो में पढ़ा हुआ है। फिर है स्लीप इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन आए। ठीक है, विच रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, ये फिजिक्स को इन टच किया उन्होंने। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, पहले पाकिस्तान का दूसरा वजीर आजम कौन था? ठीक है, ये भी हमने कर दिया। फिर इसके बाद इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन आए कि चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन है और एक्टिव पैसिव के फिर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर इसके बाद हु वन द फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, ये वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये अभी आपके पास हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पेज है उसको ज़रा हम गौर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये भारकान दुखी एंड मुसखेल के मैक्स पेपर है जिसके अंदर GET, GVT और AST के है। ठीक है, मकरान डिवीजन के कितने डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है, गजवा बदर कब लड़ी गई है? इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? फतेह मकब कब हुआ? हज़रत पाक के कितनी हज की? ठीक है, फिर इसके अंदर साइंस एमसीक्यूज़ है कि वेयर डज रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। फिर इसके बाद है द रूलर ऑफ कश्मीर वाज इन 1947। फिर इसके बाद कैपस कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। इसके बाद है कैपा लॉन्गेस्ट सुरा मदर ऑफ सुरा। ठीक है, फर्स्ट वुमेन सेनेट चेयरमैन इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड हुई है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो 1x1 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देख लें। ठीक है, थैंक यू।